हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जनक क्रिएशन। दोस्तों, मैं फिर से वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब ने बंद कर दिया है, तो मैं सेम नाम से, जनक क्रिएशन के नाम से, एक नया चैनल क्रिएट किया हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। दोस्तों, काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था, ठीक है, और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट भी मुझे मिला था, लेकिन किसी कारण से मेरा चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। अब वो खैर, ये चीज़ें तो डिलीट हो ही गई है, अब हम उसी को फिर से रीजनरेट करेंगे। दोस्तों, वही चैनल फिर से मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, जनक क्रिएशन के नाम से, ठीक है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, और आप मेरे चैनल पे पुराने यूजर्स हैं जो पहले मुझे सब्सक्राइब कर चुके थे, तो ये उन दोस्तों के लिए है कि ये मेरा चैनल है जिसे आप फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके अलावा प्रीमियम चीज़ें भी आपको इसके अंतर्गत मिलने वाली है। उसके साथ साथ दोस्तों, मेरा जो वेबसाइट है जनक क्रिएशन के नाम से, आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जनक क्रिएशन, ठीक है, तो ये देखिए जनक क्रिएशन आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको टॉप में मिल जाए, या फिर आपको मिलेगा यहाँ पर, देखते हैं, जनक क्रिएशन, यहाँ पर blogspot.com, ठीक है। तो आप यहाँ पर चले आएंगे, देखिए, ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से मेरा एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये पोस्ट डाल रखा था, ठीक है, जैसी 500 PNG फोटो मास्क करके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ। इसी के बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये कैसे मिलेगा सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये सारे मास्क हैं, बहुत सारे हैं दोस्तों, 500 प्लस मास्क हैं, जिसमें आप अपने फोटोज़ को, एल्बम डिज़ाइनिंग को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग लुक दे सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि जो नया वाला जो वेबसाइट या जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उस पर क्या हो रहा है कि जो यूट्यूब ने अभी जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पर जैसे मैं लिंक डाल रहा हूँ तो लिंक जो है अभी लिंक जैसा नहीं हो रहा है ना, तो ये एज अ टेक्स्ट आ रहा है, शायद कुछ दिनों के लिए भी मेरे में अभी इनेबल है, मतलब डिसेबल हो गया है, इनेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको उसका जो डाउनलोड लिंक है, मैं वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर मैं आपको पिन कर दूंगा। जैसे ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, सपोज, क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास यही वीडियो आप प्ले कर रहे होंगे, तो उस वीडियो को प्ले करेंगे और नीचे जब आएंगे यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कमेंट पर एक लिंक पिन किया हुआ रहेगा, आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत ही, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, आपके यूजफुल का है, तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे ताकि ये आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए और मेरे लिए भी और बाकी दोस्तों के लिए भी बेहतर साबित हो, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर एक लिंक पिन किया रहेगा, तो आप इसे पिन कर सकते हैं। आपको यही जो है मोबाइल पैनल पर भी मिलेगा, जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये मैंने जिसका वीडियो खोला था फाइनल टचअप का, ये उसका मिल जा रहा है, आपको ये वाला लिंक मिलेगा दोस्तों, ठीक है, 500 PNG फोटो मास्क का। तो आप यहाँ पर आएंगे, नीचे चाहे तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे डाउनलोड लिंक है दोस्तों, ठीक है, क्या दिया हुआ है, डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, और इसका पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं भी मिल जाएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप चले दोस्तों, आपने यहाँ से मान लेते हैं जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मेगा ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है, और पूरा डिटेल दिया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 600 MB की फाइल है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर आएंगे डाउनलोड बटन पे, तो आप यहाँ पे ग्रीन वाला बटन, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपका फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो मान लेते हैं हमने डाउनलोड कर लिया है, अब ये वो फाइल है, डाउनलोड करने के बाद आपको एज अ जीप फाइल मिलेगा, ठीक है, जीप फाइल को पासवर्ड डाल करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और ये कुछ इस तरीके से 508 आपको, देखिए टोटल देख पा रहे होंगे, 508 या 500 प्लस आपको जो है इस तरीके के मास्क आपको मिलने वाले हैं। चलिए, इस पर आप काम कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने हटा देता हूँ सारा वाला, पहले वाला जो भी है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे मैं एल्बम डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 36 और ये 12 और ये मैंने ले लिया रिजोल्यूशन 300 का।
चलिए मैं यहाँ पर रिसोल्यूशन 200 ले रहा हूँ, आप लोग 300 में बनाइए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से। अब मैं दोस्तों यहाँ पर मैं मेरे फ्रेम को, मास्क को जो है मैंने डाउनलोड किया, उसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे मुझे जो 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 चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर ये दोनों तीन मुझे दो मुझे चाहिए, तो मैं इसे दोनों को यहाँ पर डायरेक्टली ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया, और ये भी मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लिया। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, मैं इसका रिसोल्यूशन, वो साइज काफ़ी छोटा हो गया था, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 36 और 12 इंचेस में। ओके ठीक है, अब हम इस फाइल को वापस ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये मैंने यहाँ पर इसे कुछ ओपन कर लिया फ्रेम को। ओके, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, अगर इससे डीएम वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आएगा दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से। और मैं एक हाथ और ओपन कर लेता हूँ इसी में। चले, एक वर्टिकल फ्रेम भी मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। अच्छा चलिए, ये वाला आ गया, तो इसी को हम ओपन कर लेते हैं, नो इशू। ठीक है, ये वाला मैं वर्टिकल फ्रेम ले रहा था, बट आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, फोटोज को फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर तीन फोटो ओपन कर लेता हूँ, एक दो तीन, कोई सा भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, नो इशू। मैं ये तीनों ले लेता हूँ, फोटोशॉप में मैं ओपन करता हूँ। अब ये देखिए मैंने तीन फोटोज ओपन कर लिए, तो मैं इसे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू कर लेता हूँ। अब मैं अपन यहाँ पर आता हूँ, अब मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल आल्ट जी के साथ मैं इसे क्लिपिंग मास्क कर लिया। अब देखिए मैं इसे फोटो को बड़ा करता रहा, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे उस फ्रेम के अकॉर्डिंग, मास्क फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको फोटो अरेंज होकर दिखाई दे रहा है। ये वाली मैं ले लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। चलिए कंट्रोल अल्ट जी, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है मेरा फोटो आ गया। इसमें मुझे डालना है यहाँ पर, तो मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, अब मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल अल्ट जी किया, अब मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से हमारा फोटो जो है इस फ्रेम में आकर के फिट हो गया है। आप बैकग्राउंड चेंज करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे भी आपकी मर्जी, आप जैसा रखना चाहें, मैं थोड़ा सा ये फेड कलर इस तरीके से रख लेता हूँ, ये देखिए लाइट कलर का। यहाँ पर आप चाहे तो डबल बैकग्राउंड दे सकते हैं, मैं चलिए यहाँ पर एक की कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर बैकग्राउंड देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर न्यू लेयर सेलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ से मैं कोई दूसरा पर्पल टाइप का ले लेते हैं हम यहाँ पर, चलिए वो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप काफी अमेजिंग अमेजिंग इस क्लिप, इसका मास्क का, मास्क फ्रेम का यूटिलाइज करके आप अच्छा डिजाइन बना सकते हैं अगर चाहें। इसके बहुत सारा है, जैसे मैंने लिख लिया वेडिंग, ठीक है, वेडिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया वेडिंग, सेरेमनी, सेरेमनी, चलिए मैंने यहाँ लिख दिया है वेडिंग सेरेमनी। इसका कलर मैं बदल देता हूँ वाइट, वो सेरेमनी को मैं थोड़ा सा थिन करता हूँ मेरे हिसाब से। मैंने अभी इंट्रो का फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इंट्रो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, तो मैं यहाँ पर इंट्रो हो गया, ये मैंने लिया इंट्रो, इंट्रो का मैंने थिन यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, अब इनके बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और इसका फॉन्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। फंड साइज मैंने ले लिया यहाँ पर 100 के आसपास आ गए। अब मैं इसके बीच में गेपिंग कम कर लेता हूँ, और इसमें दे देता हूँ ब्लैक कलर का स्प्रेट, ये कुछ इस तरीके से। वेडिंग काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है अपने मास्क का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप कटआउट भी यहाँ पर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप अपने फोटो में क्रिएटिविटी दे सकते हैं। चलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं, मुझे कुछ इस तरीके के फ्रेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। चलिए बड़ा किया वो, इसी के ऊपर मैं डायरेक्टली फोटो को ले जा करके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। चलिए मैं ये वाली फोटो यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, तो मैंने बड़ा कर लिया। अब इसी में मैं इसे क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ, तो आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे आपका जो फोटो है आपके मास्क के अकॉर्डिंगली अरेंज होगी। आपको अच्छा नहीं लगा आप हटा दीजिए, आपके अकॉर्डिंगली जो आपको अच्छा लगता है ऐसे फ्रेम को आप यूज़ करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से बिंदास यूज़ कर सकते हैं, नो इशू दोस्तों।
चलिए मैं ये वाली फ्रेम ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा हटके है, तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है? इसके लिए आपको दोस्तों, ये जैसे मैंने यहाँ पर फ्रेम ले रखा है, ओके, बूम। अब इसे मैं इसमें, चलिए फोटो डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पर ये वाला फोटो डाल दिया, मैं से यहाँ पर क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, तो ये देखिए कैसा हो रहा है, पूरा फ्रेम के अंतर्गत आ गया भाई। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं इसे स्क्रीन कर लूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, स्क्रीन मोड पे डाल दूंगा, तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रेम जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर क्लिपिंग मास्क अगर आप हटा भी देते हैं तो देख पाएंगे आप यहाँ पर जो है व्हाइट व्हाइट जो फ्रेम का डिजाइन था वो कुछ इस तरीके से आ गया। तो स्क्रीन करके भी आप यहाँ पर इसे यूज में ला सकते हैं, अगर आप पूरे इस तरीके के फ्रेम्स को यूज करना चाहते हैं। तो जैसे मैं चलिए यहाँ पर और दिखा देता हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया मास्क को, ये फोटो मेरे पास आ गया है, तो मैं इसे नीचे ले आता हूँ। अब ये फोटो को मैंने स्क्रीन कर लिया और क्लिपिंग मास्क में आ रही है, सॉरी किधर गया भाई ये। चलिए मैं यहाँ पर उसे ओपन कर लेता हूँ। हाँ, अब मैंने इसे क्लिपिंग मास्क किया और स्क्रीन कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपने फोटो के डिजाइन कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं इस मास्क फ्रेम को यूज करके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस मास्क फ्रेम का यूज करेंगे, ठीक है? आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन को यूज करें, जिससे क्या होगा फ्यूचर में आने वाले वीडियो के ढेर सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के मजेदार ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप क्रिएटिंग।